name is Anuradha and welcome to Rainbow Blog. This is my second video of this channel. I hope you all guys are safe in your house. So, आज के वीडियो में मैं आप लोगों से शेयर करने जा रही हूँ एक होम डेकोर आइटम जो कि मैंने बनाया है ये दो वेस्टेड स्टील डब्बियों से. So, without wasting time, let's go for the video and don't forget to like, share and subscribe my channel. So, let's go. तो मैंने इस तरह की दो टीन कैंस को कलेक्ट किया है जो मेरे घर में इजीली अवेलेबल था, एक ग्लू का डब्बा और एक लैक्टोडेक्स का डब्बा. तो आप लोगों के घर में जिस तरह की टीन का कैंस अवेलेबल होगा तो आप उससे ए डीआईवाई प्रिंटर बना सकते हैं. सो अभी मैं इस छोटू वाले कैन पर बेस पेंट के लिए यूज कर रही हूँ फेविक्रिल व्हाइट एक्रेलिक कलर. मैं यहाँ पर व्हाइट बेस कलर यूज कर रही हूँ क्योंकि अगर मैं इसके ऊपर कोई भी कलर पेंट करूँ तो वो पॉप अप करके बाहर निकले. अभी मैं यहाँ पर पहले छोटू वाला कैन ले रही हूँ एंड इसके ऊपर कंपास से एक राउंड बना रही हूँ. कंपास से राउंड बनाने के बाद हम लोग यहाँ पर यूज करेंगे फेविक्लिक का ब्लू कलर एंड एबल प्लांटर को बनाने के लिए हम लोग ब्लू कलर, येलो कलर एंड रेड कलर को अप्लाई करेंगे. देख सकते हैं कि यहाँ पर मेरा जो फर्स्ट वाला प्लांटर है वो रेडी हो चुका है पूरी तरह. अभी मैं इस सेकंड वाला प्लांटर को बनाने के लिए यूज कर रही हूँ हॉट ग्लू गन जिसकी मदद से मैं इस वाले कैन के ऊपर लिख रही हूँ प्लांट जो कि इस वाले प्लांटर को एक 3D लुक देगा. अभी मैं इसमें अप्लाई कर रही हूँ फेविक्रिल का व्हाइट कलर. अभी ये व्हाइट कलर ड्राई हो जाने के बाद हम लोग यहाँ पर यूज करेंगे फेविक्रिल का ग्लिटर फैब्रिक कलर जो कि इस वाले पैटर्न को एक न्यू लुक देगा. सो फाइनली हमारा दोनों प्लांटर बन चुका है.